आज प्रभु यीशु हमें परोपकार पर उपदेश देते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय जयशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से लेकर 14 तक। आज के सुसमाचार में हम विशेष रूप से प्रभु के उन गुणों को पाते हैं जो गुण हमें बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमें बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, इन्विटेशन कार्ड देते हैं कि हमारे घर आना भोजन के लिए, और फिर हम उनके यहाँ जाते हैं। जाने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें भी उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो समाज में हमें देखने को मिलता है, प्रभु उससे कहीं अधिक दूर सोचते हैं। और प्रभु आज हमसे कहते हैं कि हमें किन किन लोगों को बुलाना चाहिए, किन किन लोगों के साथ रहना चाहिए। आज के सुसमाचार में विशेष रूप से प्रभु कहते हैं, जब तुम दोपहर या शाम का भोजन दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण दे कर बदला चुका दें। हम ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। अपनी सोसाइटी से वे लोग बुलाते हैं, किन लोगों को बुलाते हैं, जो धनी है, जो अमीर है। गरीबों को बहुत कम लोग पूछते हैं, गरीब लोगों को वह उतना दायित्व तो उन्हें नहीं सौंपते हैं, उतने काबिल नहीं समझते हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे कहते हैं, पर जब तुम भोज दो तो कंगालो, लूलो, लंगड़ो और अंधों को बुलाओ। प्रभु इन लोगों को बुलाने के लिए आज हमें कहते हैं कि हम जब किसी को भोजन देते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं, तो इन लोगों को बुलाओ। इन लोगों को क्यों बुलाओ? इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है। आप जो भोजन देते हैं, जो पेट भर उन्हें भोजन खिलाते हैं, उसके बदले वे क्या दे सकते हैं? केवल आपके लिए वे दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब कभी भी हम किसी को भोजन देते हैं या कुछ कार्य करते हैं, तो उस समय हम इस बात का ध्यान रखें कि हम उन लोगों को भोजन न दें जो बदला चुका है, बल्कि उन लोगों को भोजन दें जो हमें आशीर्वाद दे, जो हमारे लिए प्रार्थना करें, जो हमें याद करें। कई लोग ऐसे रहते हैं जो भोजन करके भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो भोजन तो करते हैं लेकिन फिर भी उसमें घटी कमी निकालते रहते हैं। हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में हम देख सकते हैं, कई शादियां होती है, लोग आते हैं सज धज के और फिर भोजन करके जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं, भले ही सब कुछ कितना अच्छा हो। इसलिए प्रभु आज हम सभी को बुलाते हैं और यही कहते हैं कि तुम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, मेरे राज्य में रहना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को भोजन के लिए बुलाओ जो वे बदले में कुछ न दे सके, केवल आशीर्वाद, प्रेम और आपके लिए प्रार्थना कर सके। आइए क्रिसमस प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी रोजी रोटी के लिए भटकते रहते हैं। कई जगह जाना पड़ता है उन्हें, फिर भी उन्हें नसीब नहीं होता पेट भर भोजन। आज हम उन व्यक्तियों को विशेष रूप से याद करें, अन्य लोगों को प्रोत्साहन दें कि गरीबों को सहायता के लिए वे आगे आए और उन्हें भरपूर मात्रा में सहायता करें। हम विशेष रूप से हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों, दीन दुखियों, लंगड़ों, लूलों पर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। आइए आज हम विशेष रूप से इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों ने प्रार्थना की मदद मांगी है या आप किसी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबरों पर ज़रूर व्हाट्सएप करें
आपकी प्रार्थना आपके नाम के साथ, आपकी जगह के साथ, ताकि आप सभी को हम सबलिदान में अर्पित कर सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके। आमीन।